सुहेला नाम की एक बूढ़ी औरत जो कि अपने आप को कुछ ऐसे वो बड़बड़ा रही थी अपने आप ही, ऐसे लग गया था कि वो किसी से डरी हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप को फांसी दे देती है। अगले दिन जो है वो डॉक्टर फे आते हैं और वो पुलिस ऑफिसर डैगनी वो आती है। लोग जब बॉडी को चेक करते हैं आसपास का सामान भी ऐसे बिखरे हुए थे जो कि ऐसे हेला नहीं ऐसे की हुई होती है। डॉक्टर फे भी समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली उसने किया ही क्यों ये सब, असली वजह वो क्या होता है वो पता नहीं चलता एक्चुअली। अब यहाँ पे तीन लोग जो होते हैं, यहाँ पे इन तीनों का जो नाम होता है वो लीफ, जेम एंड कैथरीन। लोग जब समुदाय के साइड में जो घर होता है अबंडन घर जो है उसमें वो चले जाते हैं रहने के लिए। ये तीनों जो है वो ऐसे ही घूमने के लिए यहाँ पे आए हुए होते हैं। पता चलता है कि जो डॉक्टर फे का जो बेटा होता है जिसका नाम होता है बेनी, वो एक दिन जो वो खेलते खेलते कहीं गायब हो गया था क्योंकि आज तक नहीं मिला है। बेनी को जो है वो दो टाइप की डायबिटीज होती है उसमें कि 2-3 घंटे के बाद जब इंजेक्शन देना पड़ता है, जब वो कहीं दूर भी ऐसे गया होगा तो वो अपने आप ही ऐसे मर जाएगा वो डायबिटीज के वजह से। अभी इन तीनों में से एक औरत जो होती है वो एक चर्च के पास होती है जिसमें कि वो कुछ आवाज़ ऐसे अननोन सुनती है, के बाद वो घर में लौट आती है। तो ये तीनों जो है उस घर को वो सजाते हैं क्योंकि उस घर की हालत वो बिल्कुल भी सही नहीं होती, थोड़ी सी ऐसे लग गया था वो जैसे कि अभी वो टूट जाएगा थोड़ी देर बाद अगर कोई छोटा सा भूकंप आएगा तो। अभी डॉक्टर फे जो होते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं लेकिन यहाँ पर सडनली वो लाइट चली जाती है। डॉक्टर फे जब कुछ आवाज़ सुनते हैं उनके पीछे से कोई अननोन भागता है। डॉक्टर फे को ऐसा लगता है कि उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा था वहाँ पे, बाद लाइट तो चली आती है। तो वहाँ पे वो हेला की बॉडी को देखते हैं, जो हेला जो है उसकी बॉडी के पीछे जो होते हैं वो क्रॉस के निशान ऐसे बने हुए थे बहुत सारे, ऐसे भी कुछ ऐसे क्रॉस बने हुए थे जो कि ऐसे 24 घंटे के अंदर ऐसे हाल ही में ऐसे बनाए गए होते हैं। डॉक्टर ये सब देखने के बाद शौक हो जाते हैं काफ़ी। डॉक्टर और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो उसके साथ बात करते हैं जो कि पति होते हैं हेला के। इनका कहना होता है कि वो जो हेला जो है उन्हें कोई इकोजिमा इनका कहना होता है कि जो हेला जो है उन्हें कोई इकोजिया कोई नाम की ऐसे बीमारी होती है। तो अभी ऑफिसर डैगनी जो होते हैं उन्हें वो केस एक मिलती है, पता चलता है कि एक्चुअली वो सब पास्ट केसेस होते हैं जो कि इससे जुड़ा हुआ होता है जो हेला की केस में। ऑफिसर डैगनी जो होती है वो एक वीडियो दिखाती है डॉक्टर को, एक ऐसे डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो होती है वैसे, जिसमें कि पता चलता है एक गाँव होता है जिसमें एक चर्च होता है, लेकिन कुछ लोग जो वो फैसला लेते हैं वो जो चर्च होता है उसे हटाया जाए उस जगह से, जिसके बाद जो है गांव के लोग जो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। ऑफिसर डैगनी जो एक फ़ोटो दिखाते हैं डॉक्टर को, उस फोटो में जो है कुछ बच्चे लोग होते हैं जिनके ऊपर ऐसे क्रॉस सिंबल बनी हुई होती है। अभी डैगनी जो है वो कहती है कि जो चर्च में जो है वो एक लड़के को पकड़ा गया था, उसका नाम होता है पीटरसन, एक्चुअली बर्नार्डस पीटरसन, वो कुछ दिनों के बाद सडनली कहीं गायब हो गया। ये तीनों जो है वो घर पे होते हैं, यहाँ पे सडनली वो लाइट चली जाती है। जो कैथरीन होती है वो बाहर जाती है, वहाँ पे वो ऐसे जो पानी का जो कैनल होता है वहाँ पे उसे वो क्रॉस मिली हुई होती है जिसके ऊपर एक नाम लिखी हुई होती है, यानी कि ये किसी सीमेंटी से उखाड़ के जो है वो वहाँ पे फेंका गया हो। अभी कोई अननोन बंदा जो है वो उसके पीछे होती है तो वहाँ से वो डर जाती है, वहाँ से भाग जाती है, बस ये घर में चली आती है। लेकिन इस चीज़ को ये लोग भुला के जो है वो वापस सो जाते हैं। रात के वक्त जो है वो कैथरीन वो उठ जाती है कि वो कुछ ऐसे अननोन आवाज़ सुनती है, वो देखती है वो जो दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ होता है तो जिसके वजह से वो डर जाती है, एक्चुअली वो गिर जाती है डर के मारे। लीफ और जो जेम होते हैं वो उठ जाते हैं, में जब वो कैथरीन को वो पाँव में चोट लग जाती है वैसे। उसी तरफ ये जो डॉक्टर फे होते हैं वो विक्टिम के से फाइल चेक करते हैं जो भी उस फोटो में होते हैं, वो एक विक्टिम की वो फाइल चेक करते हैं तो वहाँ पे वो उन्हें पता चलता है कि जो उनकी बॉडी के ऊपर जो 18 क्रॉसेस ऐसे बनी हुई होती है। ऑफिसर डैगनी कहते हैं कि जब वो चार्ज का जो ऐसे हटाने का ऐसे वो जब वो डिसाइड किए थे कुछ लोग तो वहाँ पे जो पीटरसन होता है वो काफ़ी गुस्सा हो गया होता है। उस वक्त की बात होती है जहाँ पे पीटरसन जब वो छोटा होता है वैसे। इस फोटो में जो है वो 8 बच्चों के ऊपर ऐसे क्रॉस बनी हुई होती है, इसमें कि 6 लोग जो है वो 6 बच्चे जो वो मर चुके होते हैं 3 साल के अंदर ही ऐसे हाल ही में। नहीं ज़्यादा पुरानी ऐसे बात नहीं होती। पुलिस को लगता है कोई सीरियल किलर हो सकता है जो कि इनसे बदला ले रहा होता है, कोई या फिर कोई ऐसे गांव का आदमी या फिर कोई औरत जो कि इनसे बदला ले रहा होता है, क्योंकि वो चर्च हटाने का ऐसे सवाल कुछ लोगों ने ऐसे किए थे क्योंकि गांव में वो फैसला हुआ था वो चर्च हटाने का। अगले दिन जो है डॉक्टर देखते हैं वो एक जगह में होते हैं जो जहां पे कुछ बच्चे जो वो कुछ ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। डॉक्टर देखते हैं उनकी तरफ एक लड़का जो है वो घूर रहा होता है, अजीब तरीके से देख रहा होता है जैसे कि डॉक्टर के पीछे कोई हो। वहाँ से वो डॉक्टर निकल पड़ते हैं। फिर ऑफिसर डैगनी होते हैं वो कहते हैं कि एक बेडिस नाम का एक आदमी होता है जो कि एक कैंची के ऊपर गिर के उसकी मौत हो गई थी। बाकी के जो लोग होते हैं वो भी ऐसे अजीब तरीके से मर चुके होते हैं। अभी जो है वो उसूला नाम की एक औरत और एक लॉयस नाम का एक आदमी वो अभी जिंदा होते हैं जो उस फोटो में थे उन बच्चों के साथ।
अभी कैथरीन जो होती है वो सडनली उठती है क्योंकि उसके वो हाथ में जो है उसका पाँव में चोट लगी थी, वो सो गई थी। हमें कोई नहीं होता तो वहाँ पे वो देखते कुछ ऐसे फुटस्टेप कैसे बेसमेंट की तरफ जा ही होती है। एंड यहाँ पे किसी को पता नहीं होता कि यहाँ पे एक बेसमेंट भी होती है इस घर में। कैथरीन उस बेसमेंट में जाती है, वहाँ पे वो देखते कुछ ऐसे वार्ड लिखी हुई होती है दीवारों के ऊपर। देखते यहाँ पे एक डेड बॉडी होती है जो कि आज तक किसी को पता नहीं होती। जो बॉडी होती है वो लगभग ऐसे सड़ चुका होता है। बॉडी के पास जो है वो ऐसे फोटो मिलती है, यानी कि किसी औरत की होती है, ऐसे एक डायरी या फिर नोट मिलती है। लेकिन सडनली होता है क्या है कि दरवाज़ा बंद हो जाता है, वो बेसमेंट का दरवाज़ा, तो यहाँ पे वो फंस जाती है कैथरीन। फिर डॉक्टर और डैगनी जो होते हैं वो लोइस के घर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो देखते हैं वो बूढ़ा आदमी जो मर चुका होता है। यहाँ पे कुत्ता होता है वो जो कि भूखा होता है, तो डॉक्टर वहाँ पे चेक करते हैं। डॉक्टर देखते हैं ये जो उस दीवारों में जो है वो बेनी की फ़ोटो होती है बहुत सारे, यानी कि डॉक्टर का जो बेटा बेनी, जिसको देखने के बाद डॉक्टर काफ़ी शौक हो जाते हैं कि वो सोचने में पड़ जाते हैं उसका रिलेशनशिप क्या है उसके साथ। फिर तब ये जो बेसमेंट में जो कैथरीन होती है वो चेक करती है वो सब नोट्स। फिर देर बाद यहाँ पे जो लीफ और जो जेम आते हैं वो दरवाज़ा खोल देते हैं बेसमेंट का। तीनों को पता चल जाता है कि कोई ऐसे डेड बॉडी होती है बेसमेंट में। तीनों यहाँ से भागने की सोचते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसे नेटवर्क नहीं होती, तो ये लोग जो है किसी को बुला नहीं सकते। एक्चुअली नेटवर्क के लिए थोड़ी सी ऐसे दूर जाना पड़ेगा इन तीनों को। दूसरी तरफ ये जो डॉक्टर होते हैं वो भी ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि लोइस के घर में जो वो बेनी की फ़ोटो क्यों थी दीवारों के ऊपर। तभी ये तीनों देखते हैं उनके घर में जो वो क्रॉस जो वो कोई ऐसे ला के रख दिया था। इसको कैथरीन देख के गुस्सा हो जाती है, उस क्रॉस का जो वो बाहर फेंक देती है। अभी डॉक्टर फेयर जब वो उर्सुला से मिलती है, तभी डॉक्टर फेयर जो होते हैं वो उर्सुला नाम की औरत से वो मिलते हैं। वो उनको जो है वो पीटरसन के बारे में पूछते हैं कि अभी सडनली कहीं गायब हो चुका होता है। उर्सुला जो है वो कहती है बेनी के बारे में जो कि कहीं पे एक होता है बॉटम एरिया में, एक्चुअली वो किसी अंदर के जगह में ऐसे छुप चुका फंस चुका होता है ऐसा वो कहती है। उसको सुनने के बाद डॉक्टर भी ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें जब वो कैसे पता होता है बेनी के बारे में। तभी जो है कैथरीन जो होती है वो एक देखती है एक लड़का जो है वो किसी के बॉडी के ऊपर वो एक्चुअली बैठ के उसके ऊपर कुछ बनाया होता है, क्रॉस का सिंबल ऐसे लग गया था, लेकिन एक सपना होता है खतरनाक वाला कैथरीन का। कैथरीन जो होती है वो सोच में पड़ जाती है, वो खाती भी नहीं है ठीक से। अभी डॉक्टर जो उस जगह में आते हैं जहाँ पर जो बेनी होता है वो ऐसे गायब हो गया होता है। फिर जो है वो बेनी की रिपोर्ट चेक करते हैं, इसमें कैसे वो बेनी के नोट्स वो सब पढ़ते हैं। फिर डॉक्टर से मुलाकात होती है बॉली नाम के बंदे से जो कि ऐसे लॉयर होता है। यहाँ पे डॉक्टर को पता चलती है उस नोट से कि कोई ऐसे ग्रीन सबमरीन होती है चीज़, लेकिन उसके बारे में वो और भी जानकारी वो चाहते हैं लेकिन उन्हें वो मिलता ही नहीं है वैसे। तभी यहाँ पे एलियास नाम का एक बंदा होता है जो कि कहता है आत्माओं के बारे में। उसके हिसाब से जो अगर वो जो आत्मा जो उनका कोई ऐसे काम होगा जो कि ऐसे पूरा नहीं होगा, कोशिश करते हैं वो काम जैसे भी हो जाए। एंड वो ऐसे करते करते वो एक जगह में अटक जाते हैं के बाद जो है वो आत्माएं जो होती है वो हमेशा ज़िंदगी भर से ढूंढती रहती है उनके मकसद को। फिर यहाँ पे जो है वो एक ऐसा लग गया था कि वो कोई ऐसा छोटा सा क्रॉस का सिंबल बना हुआ है उसके गर्दन के ऊपर, यानी कि जेम के ऊपर। एक्चुअली जेम जो है वो लीप को कहता है कि उसने जब वो सच बता दिया है कैथरीन को। ये दोनों जब बात करे होते तो वो खिड़की में कोई अननोन वो कुछ फेंकता है के बाद ये दोनों जो है वो भागते हैं उस अननोन के पीछे। ये दोनों उस घर में ऐसे जाते हैं क्योंकि बॉन्नन उस घर में गया हुआ होता है जो कि ऐसे टूटा हुआ घर होता है आधा। अभी लीप जो है वो देखती है कोई अननोन जो है उसके थोपड़े में कुछ हो जाता है तो वो चिल्लाता है। इसके बाद जो ये जो घर जो होता है वो टूट जाता है, घर जो है वो टूट के इन दोनों के ऊपर गिर जाता है। इसमें कि जेम तो मर जाता है लेकिन यहाँ पर लीप जो है वो उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं होती है। कैथरीन आती है यहाँ पर दोनों को चेक करने के लिए। कैथरीन जो है वो लीप की मदद फ़ोन लेके वो मदद के लिए जाती है वो नेटवर्क के लिए ताकि वो किसी को कॉल कर सके। जब फोन में नेटवर्क आता है तो कैथरीन देखती है लीप के फ़ोन में कि जो यहाँ पे वो जेम को मैसेज की हुई होती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये चीज़ पता चलने के बाद जो है कैथरीन जो है वो मदद ऐसे उस फ़ोन को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे डॉक्टर जब सुबह सुबह ऐसे दौड़े होते हैं तो वहाँ पे वो एक छोटे बच्चे को देखते हैं। उस छोटे बच्चे को फोला जब कहते हैं तो वहाँ पे वो एक जगह में जो है वो उर्सुला वो नाम की औरत वो मिलती है। इसके पीछे जो है वो हाल ही में से किसने वो क्रॉस सिंबल ऐसे बनाई हुई होती है। उर्सुला जो है वो पीटरसन के बारे में कहती है। वो कहती है कि वो जो पीटरसन है वो एक दिन जो है वो नाव में चला गया था, इसको कि उर्सुला ने वो देखी थी लेकिन वो किसी को बताई नहीं थी। वो कहती है कि वो जो बेनी जो है उसे उठाओ। अभी जो डॉक्टर जिस लड़के को पीछे वो भागे थे वो एक्चुअली पीटरसन था एक्चुअली, लेकिन पता नहीं चलता वो पीटरसन है कि नहीं अभी जिंदा वो या फिर वो अभी मर चुका है, वो सब पता नहीं चलता अभी तक वैसे। यहाँ पे कैथरीन को जब सच का पता चल जाता है तो वो उस घर में आती है पुराने घर में जहाँ पे ये लोग पहले थे। यहाँ पे ऐसे भीजन दिखाई देता है कोई अननोन लड़का भी इस घर में था पहले, एक्चुअली बहुत पहले। कैथरीन जो होती है वो बेसमेंट में चली जाती है एंड वो वहीं पे जाके उस डेड बॉडी के साथ वो सो जाती है, जिसमें कि उसके पीछे से कोई ऐसे अननोन वो लड़का आता है वो भी उसके साथ सो जाता है।
ऐसे लग गया था वो जो बच्चा जो है उसे एक नई माँ मिल चुकी है। तभी डॉक्टर और वो जो ऑफिसर डैगनी जो होते हैं वो उस ग्रीन सब तभी डॉक्टर और जो डैगनी होते हैं वो उस ग्रीन सबमरीन के वो बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो ढूंढ रहे होते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज वो चेक करते हैं जहाँ पे वो लास्ट वो बेनी को देखे थे, जहाँ पे वो लास्ट जो है वो बेनी वो दिखा था। वो सीसीटीवी फुटेज में वो उन तीनों को भी देखते हैं, यानी कि लीफ, कैथिन और जेम। ऑफिसर डैगनी का कहना होता है कि वो वहाँ पे ऐसे कुछ खा के वहाँ से निकल पड़ चुके थे। ऑफिसर डैगनी जो है वो कहते हैं कि वो तीनों जो है वो वहाँ से कुछ खा के जो है वो वहाँ से चले गए थे। वो कहते हैं कि वो उस घर में जो है वो ऐसे मर चुके होते हैं, यानी कि जेम और जो लीफ जो वो मरे थे वो इनको पता चल चुकी होती है अभी तक। तभी उस घर के जो जब वो फोटो वो चेक करते हैं, वहाँ पे वो जूम करके देखते हैं, वहाँ पे ऐसे टैंक होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। डॉक्टर और बाकी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उस घर में जाते हैं जहाँ पे ये पुराना घर होता है। उस ग्रीन टैंक को ये लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे डेड बॉडी होती है, एंड ये जो डेड बॉडी होती है वो बेनी की होती है वैसे, जो कि अभी तक पता नहीं चला है कि वो एक्चुअली वो बेनी जो है वो इस टैंकी में क्यों छुपा था, यहाँ पे ये कैसे आया वो किसी को पता नहीं चलता। इस पुराने घर को जब वो चेक करते हैं डॉक्टर, तो वो कुछ ऐसे आवाज़ें सुनते हैं, वहाँ पे उन्हें पता चलता है बेसमेंट है, लेकिन वो किसी को बताते नहीं है, वो ऐसे इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद ये सभी लोग निकल पड़ते हैं। इस घर में जो है वो कैथरीन होती है बेसमेंट में, जो कि अभी खुशी खुशी होती है, एंड वो एक लड़के के साथ होती है जिसका नाम होता है मेरे ख्याल से वो पीटरसन, एंड यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। तो इस यहाँ पर जो है इस घर में जो है वो एक्चुअली हमें दिखा था टोटल दो डेड बॉडीज, एक जो था एक औरत की जो कि वो बेसमेंट में होती है उसकी लाश, एंड दूसरी जो होती है वो बेनी की होती है जो कि घर के साइड के वो टैंक में होता है। पीटरसन की डेड बॉडी पता नहीं कहाँ होती है वैसे, एंड यहाँ पे टोटल अभी जो है तीन आत्माएं होगी या फिर वो चार आत्मा या फिर तीन, थोड़ी बहुत वैसे कन्फ्यूजिंग है वैसे। तो यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ऐसे बहुत सी वीडियो आने वाले हैं एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच।